Hello, welcome back to Arvind Singh Academy, and we are discussing physics, that is motion in a plane. हम लोग horizontal उसमें horizontal distance, horizontal range और time of flight की break के पहले बात किए थे और हमने बात किया था projectile motion की. तो अब हम उसके लिए derivation करते हैं इस lecture में कि derivations किस projectile motions के जो अलग अलग कंपोनेंट है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए डेरिवेशन करते हैं. तो पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे और क्यों कोई पार्टिकल कवर करता है. अगर आपने ये वीडियो अभी तक, पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं और ये वीडियो में शामिल हो रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले वाले वीडियो जरूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका स्वागत है एक बार फिर से. आइए बात करते हैं और उस डेरिवेशंस की कहानी कहते हैं, कैसे वो डेरिवेशंस करते हैं. ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने इसमें टर्मिनोलॉजी की बात की थी कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सारी बातें हमें करनी है जैसा मैंने कहा था. तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि मोशन होते कैसे हैं. जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो क्या होगा. तो इनिशियल वेलोसिटी u है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उसमें u कोसाइन थीटा होता है, आपको पता ही है. बताया हमने कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है u साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है u कॉस थीटा. तो पार्टिकल को अगर ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यानी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो डायरेक्शन हो गए. अब इसके आधार पे हमें देखना है, ये है ओरिजिन. यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा हमेशा कितना, u साइन u कॉस थीटा. जो बेस की तरफ होता है u कॉस थीटा. सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ पे ये मान सकते हैं कि u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो होगा कितना, तो u, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आया मान लेते हैं. ठीक है, थोड़ा और ऊंचाई ले लो, चलो थोड़ा और ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है. सो वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं बॉडी को, कोई बात नहीं. हाँ, देखने में अच्छा लगेगा. ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं हो रहा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे. ठीक है, और आप समझ रहे हैं ये एक डिजिटल पेन है, इतनी हमारी परफेक्शन नहीं है, बट कोई बात नहीं. ठीक है, आप समझ लें ये. ठीक है, तो ये है मैक्सिमम हाइट, p इज मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे हम कह सकते हैं. और इसके दो कंपोनेंट है जिसको बारे में हमने बात किया था, ये p है वो मैक्सिमम हाइट है, जहां पे वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है. लेकिन किसी भी पाथ पे, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम हाइट h की बात हमने कही है, यहां तक आते आते उसकी टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. अब हम यहां पे कहते हैं लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी बाय विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन with an angle of projection, with an angle of projection theta. ठीक है, ये है theta, angle of projection. So there are two component of velocity, ये u velocity है. ठीक है, so there are two component of velocity, so there are
two component of velocity, component of velocity along horizontal and vertical direction, horizontal and vertical direction, and vertical direction, which are denoted as ux, that is vertical component along x-axis, horizontal component, sorry, यह है horizontal component. चलिए यहाँ पे इतना मिटाने की बजाय ये लिख देते, ठीक है, ये यू वाई कह देंगे. यह है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा. ये पिछले लेक्चर में हमने बात कर दिया था. और यू एक्स इज रिप्रेजेंटिंग एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये सारे इनिशियल वेलोसिटी की है, ठीक है, दैट इज यू कॉस थीटा. ये सब इनिशियल वेलोसिटी का है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है. अब u cos थीटा तो थ्रू आउट मोशन सेम रहेगा, वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था. u sin थीटा जो है वो g के इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी. तो एट मैक्सिमम हाइट, दैट इज p, एट मैक्सिमम हाइट, दैट इज एट p, यहां पे इन डायग्राम, let v be the velocity, let v be the, या v dash be the velocity, v मान लेते हैं, v dash, ठीक है, v is the velocity, v the velocity of particle, particle. तो यहां पे क्या होगा, so there will be two component at velocity at that, here there also two component of velocity, component of v are represented as vx and vy, vx and vy for horizontal and vertical component respectively, horizontal and vertical component respectively, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. सो हियर क्या होगा, यहां पे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, दैट इज यू कॉस थीटा, ठीक है. और वी वाई क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू होगा ये यू वाई माइनस जी टी, माइनस जी टी, वी इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वेयर टी इज द टाइम, वेयर टी इज द टाइम टेकन टू रीच रीच पी, ठीक है ना, पी तक जाने में लगेगा, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा. यहां पे जी का इफेक्ट होगा इसलिए ऐसा होगा. तो यहां पे वी वाई होगा वो कितना होगा, vy होगा u माइनस जी टी, ये ड्यूरिंग द मोशन होगा. और ये कितना होगा, ये होगा p पर होगा ये जीरो, ये होगा जी. इसका मतलब ये हुआ कि एट p मैक्सिमम हाइट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, सिंस एट मैक्सिमम हाइट vy is equal to zero, vertical component of velocity is equal to zero, and therefore ye hoga uy minus gt is equal to zero, and uy kya hai, u sin theta minus gt is equal to zero. Iska matlab ho gaya ki gt is equal to u sin theta, t is equal to ho gaya kitna, u sin theta by g. Ye ho gaya, this is the expression for time to reach maximum height. ये टी क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट.
तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दिस इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, टी इज इक्वल टू टू टी। क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टू टी। सिंस टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी टी इज इक्वल टू होगा टू यू साइन थीटा बाई जी, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कहेंगे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू टी, दैट इज सिंस टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, इसलिए ये बराबर समय होगा और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा कि टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ये हो गया। अब होरिजोनटल डिस्टेंस कैसे करेंगे हम? तो होरिजोनटल डिस्टेंस का डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ होरिजोनटल डिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज दैट इज आर। ठीक है, आर का, आर का अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल डिस्टेंस, ये सिंपल सा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी equal to horizontal component of velocity. So due to horizontal component of velocity, and therefore we can write here horizontal distance is due to horizontal component of velocity. ये है, तो horizontal component of velocity. So horizontal distance is, since horizontal distance is, horizontal distance covered by the projectile, distance covered by the projectile, by the projectile tile is due to horizontal component of velocity, component of velocity, of velocity, and therefore distance, horizontal distance, horizontal distance, distance r is equal to, distance r, distance is equal to क्या होता, u x horizontal component of velocity into time of flight t, that is time of flight total। तो ये क्या होगा अब बताए, u x क्या है? u sin theta है, so u sin theta, u cos theta, sorry, u cos theta, और ये है 2u sin theta by g। अब देखिए क्या हो गया, u into u, u square, और 2 sin theta cos theta whole divided by g। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कह सकते हैं u square sin 2 theta by g। ये हो गया horizontal range। तो ये आप याद रख सकते हैं कि horizontal range is equal to U क्या होगा, therefore R is equal to, ये याद रख सकते हैं,
u square sine 2 theta whole divided by g, that is horizontal range. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये काम आएगा। अब इसमें एक दो बातें होगी कि थीटा क्या होगा, थीटा मैक्सिमम कब होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम कब होगा। सो सिंस साइन 2 थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, बोलो 1, सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू 1 फॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 होने से ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। देयर फोर वी कैन से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन बी अचीव, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, विच कैन बी अटेंड इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैन बी अचीव्ड व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पर अगर फेंका जाए तो वो बॉडी जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अटेन करेगा, ये इसका मतलब होगा। तो अब यहाँ पे जो चीज है ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, और ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, कब, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 कब होती है जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, 9 sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा बोथ आर सेम, कंप्लीमेंट्री एंगल ये लिखा जा सकता है कि आर वन इज लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को लिखा जा सकता है साइन यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 180 माइनस 2 थीटा एंड 2 थीटा आर सेम। तो आर वन अगर हम कहते हैं कि 180 माइनस 2 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी कह सकते हैं इसको, तो ये भी कह सकते हैं इसको कि यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा है, 2 इंटू, बोलिए, तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा पे ये वैल्यू क्या है, सेम है, ये आर और आर वन दोनों सेम है, यानी आर इज इक्वल टू, आपने ये सीखा है कि यू स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा, और ये हो गया थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, यहां देखिए ये थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से। तो अगर थीटा होगा तब भी और 90 माइनस थीटा होगा तब भी, दैट इज कॉल्ड आर वन, ये मान सकते हैं कि ये क्या है, आर वन है। तो आर और आर वन दोनों सेम होंगे कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा दोनों कंप्लीमेंट्री होता है। सो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स इन हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम, ये कह सकते हैं, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम,
horizontal range are same. Range are same. ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा हो तो ये दो हॉरिजॉन्टल रेंज होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। तो R और R1 दोनों सेम होगा, यानी अगर 30 डिग्री पे फेंका जाए एक बॉडी को, 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो और 60 डिग्री हो, तो दोनों पे 60 डिग्री पे फेंका जाए और 30 डिग्री पे फेंका जाए तो दोनों द्वारा क्या हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा। एक बार 45 डिग्री पे फेंका जाए, 40 डिग्री पे, और एक 50 डिग्री फेंका जाए, तब भी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। एक 70 डिग्री पे फेंका जाए और एक 20 डिग्री पे फेंका जाए, दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं, तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। ओके, अब एक है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट एच, है ना, ये अब हम निकाल रहे हैं। तो हाइट जो अटेन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। तो वी कैन यूज हेयर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच यहाँ पे एस के जगह पे एच इस्तेमाल कर लिया और ए के जगह पे जी इस्तेमाल कर लिया, और माइनस साइन इसलिए लिया कि नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है, तो ऐसा होगा कि जी निगेटिव होगा, ठीक है, जी निगेटिव मानेंगे मोशन के रिस्पेक्ट में। तो ये यू वाई क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट यू वाई वी वाई इज इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये हो गया एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से हम यहां पे जीरो लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख दो, ठीक है, यहां पे ये हो गया जीरो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच, यानी टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयर फोर एच इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, याद रहे ये हुआ एक्सप्रेशन मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, याद रहे ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशन था, जो बेसिक डेरिवेशन है, इन फॉर्मूलों को याद रखना होगा न्यूमेरिकल करने के लिए, है ना, और जब आप इनको याद रखेंगे फॉर्मूलों को तो आपसे न्यूमेरिकल आसानी से होगा। अब अगला हम कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एट एन इंस्टेंट, हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे, तो ये देखने वाली बात। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो हमारी बॉडी है वो बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, और वो मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे देखते हैं। देखो ये एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए। ये देखिए, ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। बॉडी का जो प्रोजेक्टाइल बॉडी का जो मोशन है वो यहां से चल के और यहां पे आ रहा है ना, ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बॉडी का जो मोशन होगा वो यहां से चल के और यहां पे आ रहा है, मान लीजिए। तो यहां से चल के जब यहां पे आ रहा है तो किसी भी, चाहे और भी आप बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कि बॉडी को हम मान लेते हैं ऐसे करें, खूब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बड़ा होगा तो ऐसे होगा बॉडी प्रोजेक्टेड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि उसकी
जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है पी का, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ये हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक होगा अलोंग वर्टिकल, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, तो ये डिस्टेंस एक्स होगा। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, वो होगा एक्स, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वाई। इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का ये जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वाई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक वो एक्स होगी और ये होगा वाई, ये होगा वाई यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये होगा एक्स। इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको मान लेते हैं टाइम लगा है टी। कितना टाइम लगा है जी, टी। यहां पे दो कंपोनेंट होगी वेलोसिटी का। हम मान लेते हैं कि यहां पे कंपोनेंट है वी एक्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है वी वाई। तो Vx कितना होगा, वो तो Ux के बराबर ही होगा, अर्थात ये होगा u cos थीटा। अगर इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, तो ये होगा u cos थीटा। ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो u cos थीटा है ना, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर u है तो ये है u cos थीटा। और ये क्या होगा, Vy क्या होगा, Vy हो जाएगा यहाँ पे Uy माइनस जी टी, और टी क्या है, टाइम टेकन टू रीच एट पी, ठीक है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और डिटेल करते हैं। लेट टी बी द टाइम, लेट टी बी द टाइम आफ्टर विच प्रोजेक्टाइल बॉडी बॉडी रीच एट पी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। सो यहां पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, टी। ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा है टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, और टाइम क्या है, टी। टी टाइम में गया है, इसका मतलब टी टाइम टाइम निकल गया यहां से, टी इज इक्वल टू, देयर फोर टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यहां तक पहुंचने में टाइम जो लगा वो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लगा। अब वाई जो है वो कितना होगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, y जो डिस्टेंस है ये s है ना डिस्टेंस है, तो ये होगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू अगर रख दें सबकी, तो क्या होगा, यू आई का मतलब क्या हो गया, यू आई का मतलब यू साइन थीटा हो गया, है ना, और t का मतलब क्या हो गया, t का मतलब हो गया x बाई यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ जी टी का मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, टी स्क्वायर है। तो यहां से देखिए कि यू से यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट कट जाएगा। तो ये बच गया वाई इज इक्वल टू, आ गया एक्सप्रेशन हमारा एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। तो एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना चाहिए, है ना, ताकि आपको आगे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आगे होगा, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। ध्यान से देखें तो एक बात आपको समझ में आएगी कि ये कॉस टैन थीटा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अगर ए मान लें और ये भी पूरा जी अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, ये सारा कांस्टेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए कैन बी ए इज टैन थीटा एंड बी इज माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, से कॉन्स्टेंट्स है ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स है। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इक्वेशन इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 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 ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका अर्थ यह है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, चूंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि पैराबोलिक, एंड देयरफॉर वी कैन से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, देयरफॉर कैन से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक, पैराबोलिक। ये प्रूफ करने के लिए अगर आ जाए तो यही बात प्रूफ करनी होगी आपको, ठीक है ना, कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी और इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के उस टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बड़ी चीज नहीं है, आप सब लोगों को ये पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टेड पार्टिकल को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसको एक पैराबोलिक पाथ अटेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए कहीं भी किसी भी चीज को अगर हमें निशाना बनाना होता है तो हम उसको थोड़ा ऊपर निशाना बनाते हैं, क्योंकि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। निशानेबाज लोग जो होते हैं वो लोग भी इसी अंदाज से करते हैं कि भाई हम अगर इतना ऊपर निशाना लगाएंगे तो ये गोली जो है, बुलेट जो है, वो इस हाइट पे आके लगेगी। एक उनका अंदाजा, अपना कैलकुलेशन होता है, जिस कैलकुलेशन के लिए और स्किल के लिए उनको अवार्ड मिलते हैं। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि निशानेबाजी में लोग अवार्ड जीतते हैं। तो ये पैराबोलिक पाथ है, कितना ऊपर हम निशाना लगाएं कि ताकि वो गोली प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से और पैराबोलिक पाथ की वजह से थोड़ा हाइट नीचे आएगा और आके उस पॉइंट को स्ट्राइक करें। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे और उस समय फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के जरिए ये सारी जो डेरिवेशन सीखी है उस पर हम चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, एंड इफ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब टिल नाउ देन डू सब्सक्राइब इट and press bell icon as well so that you will get notification of new video which will be uploaded, right? Thank you. So इस वीडियो का भी देखने के लिए आभार। आप अपना reactions comment box में लिख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम जो बताए वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोशिश ये है हमारी कि बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से चीजों को बताई जा सके, जिसमें बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो और एक स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न पे हो। तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएंगे या मेल करके बताएं, हमारा मेल आईडी है arvindsinacademy@gmail.com। सो आप कहीं पर भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।